अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं। मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल में जो पहली कैटेगरी थी प्रोटोकॉल्स की, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल में पहली जो टाइप थी उसको अलोहा बोलते थे। ठीक है, अलोहा या सिंपल मल्टीपल एक्सेस। दूसरी कैटेगरी में आपने देखा था, दूसरे प्रोटोकॉल में आपने देखा था, उसको हम कहते थे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, यानी कि डाटा ट्रांसफर करने से पहले कैरियर को सेंस किया जाता है, कैरियर को वेरीफाई किया जाता है, देखा जाता है कि आइडल है या बिजी है। ठीक है, कैरियर आइडल है या बिजी है। तो अगर आपका कैरियर बिजी है तो स्टेशन क्या करता है, वेट करता है। ठीक है, और अगर आइडल है तो फिर वो डाटा सेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, उसके लिए हमने कुछ स्ट्रेटेजीज पढ़ी थी, जिसमें हमने पी परसिस्टेंट, वन परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट स्ट्रेटेजीज पढ़ी थी, याद है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक सी एस एम ए उब्लीक सी डी, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कुलियन डिटेक्शन। ठीक है, इट मीन्स कि कुलियन अकर हो गई है, डिटेक्ट हो गई है, उसके बाद कैसे उसको यानी हैंडल किया जाएगा। ठीक है, ट्रांसमिशन को किस तरह से हैंडल किया जाएगा। जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उसमें सिर्फ कैरियर की सेंसिंग हो रही थी। ठीक है, उसके लिए स्ट्रेटेजीज हमने देखी थी, परसिस्टेंट स्ट्रेटेजीज उसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुलियन अकर होगी लेकिन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस जो सिंपल था वो उसको हैंडल नहीं कर सकता है कुलियन को। अब जो नेक्स्ट है वो कुलियन अकर हो गई है, अब उसको हैंडल करना है। हैंडल किस तरह से करना होता है कि जब एक स्टेशन डेटा सेंड करता है, फ्रेम बिट सेंड करता है, तो वो मोनिटर करता है या वेट करता है उस वक्त तक कि कुलियन का मैसेज तो नहीं आ गया। यानी एक फ्रेम को सेंड किया जाता है, एक फ्रेम को सेंड किया जाता है, मुकम्मल तौर पर सेंड नहीं होता, फ्रेम फ्रेम की लास्ट बिट को रोक लिया जाता है ताकि वेट किया जाए कि रास्ते में कोई कुलियन अकर तो नहीं हुई। अगर कुलियन का मैसेज मिलता है तो ट्रांसमिशन अबॉर्ट हो जाती है और उस फ्रेम को दोबारा से रिसेंड किया जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यस सर। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन? यानी बिट सेंड होते रहते हैं, एक स्टेशन जो है वो फ्रेम की बिट सेंड करता रहता है और लास्ट बिट को रोक लेता है। क्यों रोकता है? इसलिए रोकता है कि आप अगर तो कुलियन अकर हुई है, रास्ते में कोलैप्स हुआ है किसी दूसरी बिट्स के साथ, किसी और डेटा के साथ कोलैप्स हुआ है, तो वहां पे एक जैमिंग का सिग्नल वापस आएगा, कुलियन का सिग्नल वापस आएगा और कुलियन के सिग्नल के बिहाव पर ट्रांसमिशन को रोक दिया जाता है और बताया जाता है, पता चलता है कि मिडल में या पाथ में कुलियन अकर हुई है और डाटा लॉस्ट हो गया है। ठीक है, तो लिहाजा अपनी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, यानी जितने भी उस कुलियन में स्टेशन इन्वॉल्व होंगे या जितने भी कंप्यूटर या जितने भी डिवाइसेस उस कुलियन में इन्वॉल्व होंगे, वो तमाम डिवाइसेस अपनी अपनी ट्रांसमिशन को फौरी तौर पर इमीडिएटली रोक देंगे। क्लियर? इसको हम डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, कुलियन ऑफ फर्स्ट बिट्स इन सी एस एम ए सी डी। यहाँ पे चार डिवाइसेस आपके सामने हैं। ठीक है, ए बी सी डी, चार डिवाइसेस हैं। इन चारों डिवाइसेस में एक डिवाइस ए है और एक सी है। ए डिवाइस ऐसा डिवाइस है जो टी वन टाइम पे सेंस करता है कैरियर को, किसी भी परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हुए कैरियर को सेंस करता है टी वन टाइम पे। इस टी वन टाइम पे सेंस करता है कि आपका जो कैरियर है वो फ्री है, आइडल है या बिजी है। ठीक है, अगर तो यहाँ पे बिजी होता तो ये वेट करता,
क्योंकि यहाँ पे आइडल उसको मिला है, T1 टाइम पे आइडल मिला है, तो वो अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट करता है, पहली बिट सेंड करता है, पहली बिट फ्रेम की सेंड करता है। और ये पहली बिट जब फ्रेम की सेंड हो रही है तो ये अभी रास्ते में ही है। मीनवाइल T2 टाइम कुछ देर के बाद, T1 के बाद T2 टाइम पर सी जो डिवाइस है, सी स्टेशन है, ये भी कैरियर को सेंस करता है, कैरियर को सेंस करता है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको आइडल मिलता है, ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन से ऊपर इसको आइडल मिलता है, यहाँ से ये अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा, ये अपनी बिट सेंड कर देगा, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट मीडिया है, ऐसा ही है, ब्रॉडकास्ट मीडिया है ना। भाई हम मल्टीपल एक्सेस स्टडी कर रहे हैं ना, मल्टीपल एक्सेस को प्रोटोकॉल को स्टडी कर रहे हैं, उसमें ये है कि आपका मीडिया जो होता है वो बेसिकली ब्रॉडकास्ट मीडिया, और ब्रॉडकास्ट मीडिया होने की वजह से तमाम डिवाइसेस बिट्स को रिसीव करेंगे, ऐसा ही है। यस सर। अच्छा, जिसकी वजह से कोलिजन भी अक्कर होती है, अगर दो डिवाइसेस एक ही वक्त में डाटा सेंड करते हैं तो वो हो सकता है मीनवाइल कोलिजन अक्कर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से T1 टाइम पे सेंडर ए है या डिवाइस ए, इसने सेंस किया था, इसको चैनल फ्री मिला, इसको आइडल मिला, इसने अपनी फर्स्ट बिट सेंड की, ठीक है, और ये फर्स्ट बिट ट्रेवल कर रही है, और ये कुछ देर के बाद यहाँ पे आके इस सी स्टेशन की बिट से कोलाइड कर गई, कोलिजन अक्कर होगी, क्यों, क्योंकि T2 टाइम पे यानी T1 के बाद T2 टाइम पे सी ने सेंस किया कि यहाँ पे कैरियर फ्री है, ठीक है, तो इसने भी अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी, और कुछ ही देर के बाद T3 टाइम पे इसको पता चलता है, सी को पता लगता है कि यहाँ पे कोलिजन अक्कर हो चुकी है, यानी उसको जैमिंग का सिग्नल यहाँ पे रिसीव होता है, ठीक है, यहाँ पे उसको सिग्नल T3 टाइम पे उसको रिसीव होता है, तो फौरी तौर पर उसको अंडरस्टैंडिंग होती है सी स्टेशन को कि कोलिजन अक्कर हुई है, कोलिजन डिटेक्ट हुई है, और ये अपनी ट्रांसमिशन फौरी तौर पर अबॉर्ट कर देगा, ठीक है। लिहाजा इसकी जो ट्रांसमिशन है, सी की जो ट्रांसमिशन है, T2 से T3 तक ट्रांसमिशन टाइम है इसका, उसके बाद इसकी ट्रांसमिशन रुक गई है। जबकि कंप्यूटर ए को देखें तो कंप्यूटर ए को T4 टाइम पे पता चलता है कि कोलिजन अक्कर हुई है, ठीक है, कोलिजन कहाँ पे अक्कर हुई है, T4 टाइम पे पता चलता है, क्योंकि उसको वापस सिग्नल रिसीव हो रहे हैं कोलिजन के, जैमिंग के सिग्नल रिसीव हो रहे हैं कि यहाँ पे कोलाइड कर गया, तो यहाँ पे उसकी फौरी तौर पर कोलिजन डिटेक्शन होने के बाद उसकी ट्रांसमिशन अबॉर्ट हो जाती है, मींस के टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन है किसी का? सर दोबारा बताइएगा क्या? देखो ब्रॉडकास्ट मीडिया है ना। यस सर। ब्रॉडकास्ट मीडिया में जिसने भी डाटा ट्रांसफर करना है उसकी बिट्स जो है वो तमाम डिवाइसेस पर ड्रॉप होंगी, मींस के तमाम डिवाइसेस उसको रिसीव करेंगे। अगर तो डेस्टिनेशन एड्रेस यानी बिट्स इकट्ठी होते होते फिर फ्रेम बनता है ना, तो फ्रेम बनने के बाद फिर पैकेट बनता है, यानी फ्रेम डाटा लिंक लेयर पे आ जाता है, और डाटा लिंक लेयर से फ्रेम नेटवर्क लेयर पे पैकेट की फॉर्म में जाते हैं, ठीक है, तो पैकेट पे जब बन जाते हैं तो उसको डीकैप्सुलेट किया जाता है, और डीकैप्सुलेट का मतलब ये होता है कि उसमें से फाइंड आउट किया जाता है कि आईपी एड्रेस कौन सा है, क्या उसी डिवाइस का आईपी एड्रेस है जिसने इसको रिसीव किया है, अगर तो सेम आईपी एड्रेस है तो वो रिसीव करेगा, अदरवाइज पैकेट को डिस्कार्ड करेगा, क्लियर, यहाँ तक क्लियर, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है? यस सर, ये तो क्लियर। अच्छा, अब ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई, ए ने स्टार्ट की, कब स्टार्ट की, T1 पे, कैसे स्टार्ट की, T1 टाइम पे उसने ये देखा कैरियर को सेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे देखा टॉपिक आपका क्या है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, यानी कैरियर सेंसिंग भी होगी और कोलिजन डिटेक्शन भी होगी, ठीक है,
यानी पैकेट सेंड करने से पहले, डेटा सेंड करने से पहले कैरियर को सेंस किया जाता है। अगर आइडल स्टेट में मिलता है कैरियर तो डेटा की ट्रांसमिशन स्टार्ट हो सकती है। यहां तक क्लियर है? जी सर। ए डिवाइस ने टी वन पे सेंस किया था, टी वन पे उसे पता लगा कि आइडल है और साथ ही उसने अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी। जब अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा वो अपनी बिट सेंड करेगा, ऐसे ही है। मीनवाइल कुछ देर के बाद टी टू टाइम पे, यानी टी वन पे नहीं टी टू टाइम पे, सी सेंस कर रहा है चैनल को, मीडिया को, कैरियर को सेंस कर रहा है कि ये आइडल है, तो यहां से ये अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा आइडल होने की वजह से। ठीक है, तो इसकी ट्रांसमिशन जो है हर तरफ स्प्रेड आउट होगी, बाकी तमाम डिवाइसेस की तरफ भी जाएगी ना, सी से डी की तरफ भी जाएगी, सी से बी की तरफ और ए की तरफ भी जाएगी इसकी ट्रांसमिशन ब्रॉडकास्ट मीडिया होने की वजह से। भाई ठीक है सर, जो सी डिवाइस है हमारे पास ये सेंस नहीं कर सकता कि जो ए वाला डिवाइस है उसने बिट सेंड किया है, जो भी डाटा सेंड किया है, वो सेंस कब कर रहा है? T2 टाइम पे। T2 टाइम पे तो उसका सिग्नल रिसीव ही नहीं हुआ अभी, गौर करें ना। ठीक है, जब रिसीव होगा तो कब होगा? T3 टाइम पे रिसीव हो रहा है। सही। और उसमें क्या है, आप ये देखें, ये स्केयर बना हुआ है, डार्क स्केयर बना हुआ है सॉलिड कलर में, सॉलिड ब्लैक कलर में। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे जो सिग्नल रिसीव हुआ है वो जैमिंग का सिग्नल रिसीव हुआ है, जैम हो गया नेटवर्क यहाँ पे, यानी कि ना कोलाइड कोलिजन कर गई है। ठीक। अब सी ने सेंस किया था टी टू टाइम पे, फौरन इसने अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी। अब इसके सिग्नल बी की तरफ भी जा रहे हैं और ए की तरफ भी जा रहे हैं और डी की तरफ भी जा रहे हैं। जब ए ने सेंस किया था टी वन पे तो इसने भी सिग्नल ड्रॉप किए, तो इसके बिट्स जो है बी की तरफ भी जा रहे हैं, सी की तरफ भी और डी की तरफ भी जा रहे हैं, ऐसे ही है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ फ्लो कर रही है, राइट साइड की तरफ फ्लो कर रही है। और बॉटम को रिप्रेजेंट करने का मकसद क्या है, ये टिल्टेड लाइन का मतलब क्या है, ये ऐसे टिल्टेड लाइन क्यों है, बता सकते हैं? नुमान टिल्टेड लाइन क्यों है? सर मेरा नेटवर्क का ही प्रॉब्लम, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आवाज कट रही है। दोबारा कनेक्ट कर लें, दोबारा कनेक्ट कर लें। सुनहरा आप बताएं। सर लाइट नहीं है हमारे, हमारे लाइट नहीं है। नुमान दोबारा कनेक्ट कर लें आप। हाँ जी, मैंने ये पूछा है टिल्टेड लाइन क्यों है, ये ऐसे टिल्टेड लाइन क्योंकि सर जी टाइम बढ़ रहा है ना, टाइम बढ़ रहा है, टाइम लाइन है यहाँ पे हमारे पास, जो ग्राफ है वो टाइम लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है सिग्नल स्प्रेड आउट हो रहे हैं, सिग्नल आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी ये टाइम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने टाइम के बाद वो यहाँ पे पहुंच गया, इतने टाइम के बाद वो यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो टाइम लाइन के बिहाफ पर आपके ये टिल्टेड लाइन है और ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि कैसे कैसे डाटा ट्रेवल कर रहा है। तो जैसे ही कुलियन अकर होती है तो वहां से ब्लॉकिंग का या जैमिंग का सिग्नल स्प्रेड आउट होता है, तमाम डिवाइसेस को मिलता है। और जो जो सेंडर होते हैं, अच्छा यहाँ पे सेंडर कौन है, ए और सी, सेंडर ए और सी जब ब्लॉकिंग के सिग्नल अपने अपने टाइम पे देखते हैं तो जैसे उन्हें जैमिंग सिग्नल मिलता है उसी वक्त ये समझते हैं कुलियन अकर हो गई है और ये अपनी ट्रांसमिशन को क्या करेंगे, अबॉर्ट कर देंगे, रोक देंगे। क्लियर? सर ये दोनों रोक देंगे ए और सी? देखो ए कब रोकेगा, टी फोर टाइम पे, क्योंकि इसको सिग्नल कब मिलेगा, जैमिंग का सिग्नल मिल रहा है टी फोर टाइम पे, जबकि टी थ्री टाइम पे सी को मिला है। तो सी ने कब ट्रांसमिशन अपनी ड्रॉप की, टी थ्री टाइम पर, यानी उससे पहले, ए से पहले उसने अपनी ट्रांसमिशन अबॉर्ट कर देनी है, सेंडिंग रोक देनी है इसने। क्यों? कुलियन उसके पास ही अक्कर हुई है तो जैमिंग का सिग्नल जल्दी इसके पास पहुंचेगा, सी के पास जल्दी अप्रोच करेगा ना। और इसी तरह ए से ये दूरी पर है तो यहाँ पर कुलियन अक्कर हुई है, यहाँ से
ए की तरफ मूव करते हुए टी फोर टाइम लगता है, तो टी फोर पे जब उसको मिलता है सिग्नल, जैम सिग्नल मिलता है, तो यहाँ से फिर टी फोर टाइम पे ही अपनी एग्जीक्यूशन या ट्रांसमिशन रोक देगा फौरी तौर पर। हाँ जी, अभी है क्वेश्चन? चलिए, ये वही वर्डिंग है ये जो मैंने अभी बातें की है। यहाँ पे देखें, एक और डायग्राम देखें, इसी को अंडरस्टैंड करते हैं। बुलियन एंड अबॉर्शन इन सी एस एम ए सी डी। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये पार्ट ऑफ ए फ्रेम, ए के फ्रेम का हिस्सा है, सिग्नल है, और यहाँ पे सी के फ्रेम का सिग्नल है, क्योंकि उसके जो ट्रांसमिशन टाइम है उसके मुताबिक उसको ग्रे कलर से, ए के हिस्से को ग्रे से रिप्रेजेंट किया है और सी के पोर्शन को, डाटा को ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। और उसको सिग्नल कहाँ पे मिला, यहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई इस टाइम पे टी टू टाइम पे, और टी थ्री टाइम पे उसको जैमिंग सिग्नल मिल गया, तो यहाँ पे अब ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसी तरह ए ने यहाँ से ट्रांसमिशन स्टार्ट की टी वन पे, और टी फोर टाइम पे उसको जैमिंग सिग्नल मिलता है, तो यहाँ से वो ये अपनी टर्मिनेशन कर देगा अपनी ट्रांसमिशन को। ठीक है, क्लियर? यस सर। यहाँ पे जो फ्रेम का साइज है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ठीक है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है फ्रेम के साइज को, मिनिमम फ्रेम साइज रखा गया है। ठीक है, जो फ्रेम सेंड होगा, जब वो सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है और रास्ते में अगर कहीं मिसहैप होता है, कुलियन अक्कर होती है, कुलियन अक्कर होने से जैमिंग सिग्नल वापस आना है, कुलियन का सिग्नल वापस आना है, सेंडर को पता चलना है कि कुलियन अक्कर हुई है, तो जितनी देर में ये रिसीवर तक पहुंचता है उतनी देर में कुलियन का सिग्नल वापस आ सकता है। ऐसे ही ना, अगर वर्स्ट केस में आप देखें कि अगर दो डिवाइसेस नेटवर्क के ऊपर, दो डिवाइसेस लॉन्ग डिस्टेंस पर है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है मींस के दूरी पर है, ठीक है, अगर वो दूर लॉन्ग डिस्टेंस पर कुलियन अक्कर होती है, तो उतना ही टाइम वो वापस जैमिंग सिग्नल के लिए लेगा, तो लिहाजा जो ट्रांसमिशन टाइम है वो टू टाइम्स होगा, पैकेट के टू टाइम्स होगा, जो पैकेट सेंड होगा प्रोपगेशन टाइम होगा उससे डबल होगा। डबल से मुराद ये, एक डाटा जाने के लिए टाइम, और दूसरा क्या है, एक प्रोपगेशन टाइम है, डाटा की प्रोपगेशन या बिट्स की प्रोपगेशन या फ्रेम की प्रोपगेशन होगी, उसके लिए टाइम कंज्यूम होगा, और दूसरा टाइम किस लिए होगा बताएं भाई? मैंने कहा है डबल टाइम होगा, क्यों होगा? अब शायद माइक ऑन है, बताएं। सर फिर वापस वो पता चलेगा ना कि आपका जो डाटा आपने सेंड किया है वो मिक्सअप हो गया है, यानी कुलियन अक्कर हुई है, जितनी देर में कुलियन अक्कर हुई उतनी देर में सर पैकेट ने वापस भी आना है जैमिंग के पैकेट ने। ठीक है, तो लिहाजा प्रोपगेशन टाइम हर फ्रेम के लिए डबल रखा जाता है। क्लियर, हर फ्रेम का प्रोपगेशन टाइम डबल होगा ताकि वेट किया जाए तो कुलियन तो नहीं अक्कर हुई। अब यहाँ पे फ्लो चार्ट है इसका, इसको अंडरस्टैंड करें। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कुलियन डिटेक्शन। लास्ट टाइम हमने जो फ्लो चार्ट देखा था वो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस का था, अब उसमें थोड़ी सी चेंज आई है वही फ्लो चार्ट लेकिन कुछ चीजें ऐड हुई हैं। गौर करें क्या चीज ऐड हुई है। सबसे पहले देखें, सबसे पहले एक स्टेशन है जिसको सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया, उसके पास कोई फ्रेम है सेंडिंग के लिए, और k इज इक्वल टू जीरो पहले ही रख दिया गया है। k से मुराद उसकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कि उसकी अटेम्प्ट कितनी बार हो चुकी है। ठीक है, k से मुराद नंबर ऑफ अटेम्प्ट, फर्स्ट टाइम उसकी जीरो अटेम्प्ट है। फिर वो क्या करेगा, अप्लाई वन ऑफ दी परसिस्टेंट मेथड। बता सकते हैं ये किस लिए, ये वाला पोर्शन, अप्लाई वन ऑफ द परसिस्टेंट मेथड।
कोई जवाब नहीं। जी है कोई जवाब? नो सर। क्यों सर, इसकी चार्ट की समझ नहीं आ रही थोड़ी सी। मैंने सिर्फ इसका पूछा है, अप्लाई वन ऑफ द परसिस्टेंट मेथड, सिर्फ इस ब्लॉक का पूछा है कि इसमें लिखा हुआ है अप्लाई वन ऑफ द परसिस्टेंट मेथड, ये क्यों मेथड अप्लाई किया जाएगा ये हम पढ़ चुके हैं। और कोई? अब्दुल कुदूस, जी सर। हाँ जी, जी सर, या आपने बताना है कि ये परसिस्टेंट मेथड क्यों अप्लाई करेगा सर। मैं तो अभी ज्वाइन किया, अभी देख रहा हूँ। हाँ सर, मैंने तो अभी ज्वाइन किया, अभी देख रहा हूँ कि इसकी समझ नहीं लग रही मुझे तो। अभी ज्वाइन किया है, क्यों जी सर? सर लेट हो गया था इस वजह से। अहमद आप बताएं। लास्ट लेक्चर किसने लिया था? मेरे पास आप लोगों की स्नैपशॉट भी है और आपकी अटेंडेंस भी होती है, तो लास्ट लेक्चर का मुझे पता लग सकता है किस किसने लेक्चर अटेंड किया था। जी सर। हाँ जी अर्शद आप बताएं। क्या सर? मैंने ये पूछा है अप्लाई वन ऑफ द परसिस्टेंट मेथड्स, परसिस्टेंट मेथड कौन से हैं और ये क्यों अप्लाई किए जा रहे हैं। जी है कोई आंसर? नो सर। तो अल्लाह के बंदो, परसिस्टेंट मेथड तीन मेथड मैंने आपको बताए थे, वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, टी परसिस्टेंट। इसलिए था कैरियर सेंसिंग के लिए, भाई पैकेज सेंड करने से पहले कैरियर को सेंस करना है कि नहीं करना? करना है। जब कैरियर को सेंस करना है तो उसके लिए मेथड कौन से हैं? परसिस्टेंट मेथड, जिसको हमने सिंपली पढ़ा था कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, है याद? थोड़ा बहुत है। यानी प्रीवियस टेक्स्ट का आपने रिमाइंड नहीं किया, उधर देखिएगा नेट पे मैंने रखा हुआ है यूट्यूब पे। अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा कैरियर सेंसिंग के बाद, यानी ये उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर कैरियर सेंस हुआ, कैरियर सेंस होने के बाद फिर ये देखा जाता है कि कुलियन तो नहीं अक्कर हुई, ठीक है, कुलियन तो अक्कर नहीं हुई, कोई मैसेज नहीं, या कैरियर फ्री है या कुलियन अक्कर हुई है, ठीक है। अगर तो कुलियन अक्कर हुई है तो यहां से कुलियन डिटेक्टेड का मैसेज उसको रिसीव होगा, और अगर कुलियन का मैसेज रिसीव नहीं होता, फॉल्स होता है, इट मींस कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुई, यानी उसने पैकेट सेंड किया और कुलियन अक्कर नहीं होती तो क्या होता है, ट्रांसमिशन सक्सेसफुल होगी। यहां पे देखें, अगर ये फॉल्स होता है, कुलियन अक्कर नहीं होती तो ट्रांसमिट होगा एंड रिसीव होगा वो पैकेट, और दोबारा से फ्लो देखें, दोबारा से उसकी बिट्स ट्रांसफर होती जा रही है, और रिसीव से मुराद उसका एक्नॉलेजमेंट होता जा रहा है, ठीक है, वायरलेस मीडिया में या वायर्ड मीडिया में, यानी जब आपका एक्नॉलेजमेंट आता है तो उससे आपको पता लगता है आपकी कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही है, सक्सेसफुल हो गई है। अगर कुलियन का डिटेक्शन होती है, कुलियन अक्कर होती है, डिटेक्ट हो जाती है, तो तमाम डिवाइसेस को एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं जैमिंग सिग्नल। जैसे ही जैमिंग सिग्नल रिसीव होता है, जैसे लास्ट डायग्राम में हमने देखा था, इफ इन कंप्यूटर ने T4 टाइम पे जैमिंग सिग्नल रिसीव किया और C ने T3 टाइम पे सिग्नल रिसीव किया जैमिंग,
तो उसमें अटेम्प्ट को ऐड कर दिया जाता है, यानी उसमें इंक्रीमेंट कर दिया जाता है अटेम्प्ट को, नंबर ऑफ अटेम्प्ट को. पहले क्या थी 0, अब क्या होगी 1. फिर उसका थ्रेशोल्ड चेक किया जाता है कि वो 15 बार अटेम्प्ट कर चुका है या नहीं. अगर तो 15 से ज्यादा बार अटेम्प्ट कर चुका है, 15 बार अटेम्प्ट कर चुका है, तो उसको उसकी ट्रांसमिशन को रोक दिया जाएगा. अदरवाइज वो क्या करेंगे, नेटवर्क पर क्या होगा कि एक रैंडम नंबर क्रिएट होगा, जो रैंडम नंबर होगा आर, वो 0 से लेकर 2^k-1, यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट के ऊपर डिपेंड करता है. बाइनरी एक्सपोनेंट फॉर्म है और 0 से लेकर 2^k-1, इसमें से कोई रैंडम नंबर जनरेट होगा. k की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट. फिर उसने बैकअप टाइम वेट करना है. बैकअप टाइम वेट करने के बाद दोबारा से कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी पर, यानी दोबारा से सिग्नल को चेक किया जाता है. ठीक है, तो चेंज क्या आया है यहाँ पे, चेंज ये आया है कि एक तो परसिस्टेंट मेथड अप्लाई हो रहा है, दूसरा जैमिंग सिग्नल आ रहे हैं, तीसरा आपके पास एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रहा है. यानी फर्स्ट डिफरेंस जो है एडिशन ऑफ परसिस्टेंट प्रोसेस, यानी परसिस्टेंट प्रोसेस कोई भी हो सकता है, कोई एक. ठीक है, यानी सेंडिंग से पहले कैरियर को सेंस करने का कोई भी एक मेथड. यहाँ पे क्वेश्चन, कोई क्यूरी? हाँ जी, है क्वेश्चन किसी का? नो सर. अच्छा जी, इसमें चेंज क्या है, मल्टीपल एक्सेस कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन में चेंज क्या है. पहला चेंज ये है परसिस्टेंट मेथड अप्लाई हुआ है, इसका इजाफा हुआ है. दूसरा ट्रांसमिशन फ्रेम, इसका डिफरेंस है. यानी प्रीवियस मेथड जो हमने सिंपल मेथड पढ़ा था वो CSMA पढ़ा था, अब CSMA CD. ट्रांसमिशन फ्रेम उसमें क्या होता था, उसमें कंप्लीट एज ए होल ट्रांसमिट कर दिया जाता था फ्रेम. जबकि इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें मैंने आपको ये बताया कि फ्रेम की आखिरी बिट रोक दी जाती है उस वक्त तक जब तक वेट किया जाता है कि कोलिजन का सिग्नल ना आ जाए. अगर कोलिजन का सिग्नल आ जाए तो उस फ्रेम को दोबारा से रीसेंड किया जाता है. अगर कोलिजन का सिग्नल ना आए तो इसका मतलब कोलिजन अकर नहीं और उस फ्रेम की बाकी बिट्स को भी डिलीवर कर दिया जाता है. मींस के पूरी तरह से फ्रेम सेंड नहीं होता है, इसमें मॉनिटर किया जाता है कि कोलिजन सिग्नल अकर तो नहीं हुआ. थर्ड वन, इसमें क्या चेंज है, जैमिंग का सिग्नल आ रहा है. जैमिंग का सिग्नल से मुराद ये है कि सबको बताया जा रहा है कि कोलिजन अकर हुई है, तमाम डिवाइसेस को बताया जा रहा है कोलिजन अकर हुई है और उस कोलिजन के बिहाफ पर अपनी अपनी ट्रांसमिशन, जो जो डिवाइसेस अपनी ट्रांसमिशन परफॉर्म कर रहे हैं वो अपनी अपनी ट्रांसमिशन को फौरी तौर पर रोक दें. यानी ये तीन किस्म के डिफरेंसेस हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, ये तीन मेन डिफरेंस हैं इन दोनों में. क्लियर? जी सर. अहमद आप बताओ कौन से तीन डिफरेंस हैं CSMA और CSMA CD में. अहमद खामोश क्यों हो? जी सर सुन रहा हूँ. सुन तो रहे हैं, जवाब भी दें, पूछा जा रहा है आपसे. अब्दुल कुदूस, सना किधर है? सना मसूद, है सना प्रेजेंट है? जी सर. आपसे मैंने क्वेश्चन किया है तीन डिफरेंस कौन से हैं. सीएसएमए, सॉरी मुझे त्वचा नहीं है.
नौशेरवा किधर है? हाँ नौशेरवा भी आ गया, बताओ भाई। यस सर, बस आता है हैं? आपकी स्क्रीन के सामने दो डिफरेंस लिखे हुए हैं, मैंने तीन पूछे हैं। जी सर, दो इधर है, फ्रेम ट्रांसमिशन और जैमिंग सिग्नल। जी, एक है फ्रेम ट्रांसमिशन, एक जैमिंग सिग्नल और तीसरा वो मैंने छुपा दिया है, पहला पहला डिफरेंस जो है वो पहले वाली सर में परसिस्टेंट स्ट्रेटजी सर, वो मेथड परसिस्टेंट मेथड वाला था। यस सर, तीन मेन फर्क है उन दोनों में, दोनों प्रोटोकॉल्स में, सीएसएमए में और सीएसएमए सीडी में। अब कैसे पता लगता है कि कोलिजन अकर हुई है या नहीं, यानी अब ये देखना है कि कैसे पता लगता है कोलिजन अकर हुई है कि नहीं, कैरियर के अंदर से किस तरह से वेरीफाई होता है। तो कैरियर के अंदर उसके एनर्जी लेवल को चेक किया जाता है, किस चीज को, यानी उसके करंट को चेक किया जाता है, एनर्जी लेवल को चेक किया जाता है कैरियर के अंदर। अगर तो एनर्जी लेवल जीरो है तो इसका मतलब कैरियर आइडल है, ठीक है। अगर एनर्जी लेवल जीरो है तो कैरियर आइडल है, मींस के फ्री है। अगर एनर्जी लेवल नॉर्मल है तो इसका मतलब कैरियर को यूज कर रहे हैं और वहां पे ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके कैरियर का एनर्जी लेवल एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल से मुराद ये है कि जो नॉर्मल लेवल है उससे डबल है उसका लेवल, तो उसको हम कहते हैं कोलिजन अकर हो रही है। हाँ जी, पूछ लूं किसी से, मैंने क्या बताया एनर्जी लेवल से क्या मुराद है? जुनैरा बोले। जी सर, एनर्जी लेवल आपने बताया कि करंट लेवल है, अगर ये जीरो होगा, अगर ये आइडल में है तो फिर ये जीरो होगा। जीरो है तो आइडल है, जीरो है तो आइडल है, ठीक है। और अगर नॉर्मल हो तो यूज में अगर ट्रांसमिशन हो रही है किसी। हाँ जी नौशेरवा। जी सर, यही कह रहे हैं कि ये मतलब इससे पता चलता है कि वो आइडल है या सक्सेसफुल कनेक्शन हो गया है, तो वो किस स्टेट से पता चल जाता है कि कनेक्शन आइडल, जीरो लेवल है तो आइडल है, अगर नॉर्मल है तो ट्रांसमिशन हो रही है, बिजी है, और अगर एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल से मुराद ये है कि उसका जो एनर्जी लेवल है उससे ज्यादा है, डबल है नॉर्मल से, तो कोलिजन अकर हो रही है, जैमिंग सिग्नल है। यहाँ पे देखें, इस डायग्राम में देखें, ये उसका फ्रेम ट्रांसमिशन है, नॉर्मल लेवल है, एनर्जी लेवल नॉर्मल है, यहाँ पे जीरो एनर्जी लेवल है इसलिए ये आइडल है, यहाँ पे भी जीरो एनर्जी लेवल है इसलिए आइडल है, यहाँ पे जीरो एनर्जी लेवल है इसलिए आइडल है, यहाँ पे फिर नॉर्मल एनर्जी लेवल है और ट्रांसमिशन अकर हो रही है। अगर इस केस में देखें, स्काई ब्लू कलर देखें, लाइट जो ब्लू कलर है, इसका जो एनर्जी लेवल है वो एबनॉर्मल है, मींस के इस नॉर्मल से डबल है, तो यहाँ पे ये कोलिजन अकर हो रही है, ठीक है, यानी कोलिजन का इस तरह से पता चलता है। क्लियर? जी सर। तो कुछ देर के बाद दोबारा हम मिलते हैं फिर, ठीक है, सेकंड लेक्चर के लिए। अभी किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर। और कोई? नो सर, नो क्वेश्चन। वाइंड अप करते हैं। जी सर। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।